आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एंजल वन में डीमेट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। मेरा खुद का डीमेट अकाउंट भी एंजल वन में ही है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए और लिंक पर क्लिक कर लीजिए। अब आपने अगर लिंक पर क्लिक कर दिया है और आप इस पेज पर आ चुके हैं, तो इस पेज पर आने पर आपको सबसे पहले यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल फोन में एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को डालकर आपने वेरीफाई कर लेना है। नीचे आपको STOF लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसको आपने ऐसे ही रहने दे रहा है, और अगर आपको रेफरल कोड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर STOF जरूर लिख दीजिएगा, ये हमारा रेफरल कोड है। और अगर आप इसका यूज करेंगे तो इस केस में अगर आप आगे चलकर कहीं पर भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में इशू आता है तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपका अकाउंट ओपन करवाने में सबसे पहले तो हेल्प करेगी, और इसके साथ ही हमारी टीम आपको एक फ्री कोर्स भी प्रोवाइड करेगी जिससे आप सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इसलिए आपको STOF रेफरल कोड का यूज करना है। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा। क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास अपना पैन कार्ड नहीं है तो फिर अभी आप अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, पहले आपको पैन कार्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा पाएंगे। तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम से भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यहां पर मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूं, और पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करना होता है, तो इसके लिए यहां पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेट आधार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपका आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहां पर डालना होगा। यानी अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आपका जो मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि आप ओटीपी रिसीव कर सकें। तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड वाला ओटीपी डाल देंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपको अपने डिजी लॉकर का पिन डालना होगा। तो अगर आपका डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट है तो हो सकता है कि आपने उसमें कुछ पिन बना रखा होगा जो आपको यहां पर डालना होगा, और अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो यहां पर आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। हमारा क्योंकि ऑलरेडी डिजी लॉकर में अकाउंट है इसलिए हमें यहां पर पिन डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर इन केस आप अपने डिजी लॉकर के पिन को भूल चुके हैं तो यहां पर फॉरगेट माय पिन करने का भी ऑप्शन आ रहा है जहां से आप अपने पिन को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पर पिन डालने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपना पिन डालकर डन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर डिजी लॉकर से आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी फेच कर ली जाएंगी। क्लियर कर दूं कि ये जो भी डिटेल्स हैं ये आपको डालनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कहीं पर भी डीमैट अकाउंट खुलवा लें, ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एंजल वन को ये डिटेल्स लेनी पड़ती हैं। तो अब जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद एंजल वन आपके जो आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स हैं उनको वहां से फेच कर लेगा और एंजल वन को ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो यहां पर बहुत ध्यान के साथ अपनी डिटेल्स डालिएगा, क्योंकि अगर आपने गलत डिटेल्स डाली तो उसके बाद हो सकता है कि आपको कैंसिल चेक देना पड़े, यानी आपकी जो चेक बुक होगी उसमें आपको कैंसिल लिख के देना पड़े। तो उससे बेटर है कि आप यहां पर अपनी अकाउंट डिटेल्स को सही से डालिए। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आपको कंफर्म बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालना है। ये सब डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने फेस का वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए यहां पर क्लिक सेल्फी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो ब्राउजर है वो आपके कैमरे को यूज करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, तो यहां पर आपने अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहां पर आपने अपने फेस की फोटोग्राफ क्लिक करनी होगी। तो आपने अपने फेस की तरफ कुछ इस तरीके से कैमरा करना है और उसके बाद नीचे आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आता है, तो वो फोटोग्राफ आपने क्लिक करवा लेनी है। तो अगर आपकी फोटोग्राफ सही से क्लिक हो जाती है तो आपको वो फोटोग्राफ दिखाई देगी और उसके बाद आपको कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप कंफर्म कर सकते हैं। और अगर इन केस आपको फोटोग्राफ सही नहीं लग रही है तो आप दोबारा से उस फोटोग्राफ को क्लिक करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक साइन करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको पेपर में साइन करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन के ऊपर ही आप अपने फिंगर से साइन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने साइन करना है। नीचे अगर आप कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, और अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तब आप नीचे टिक कर दीजिए। तो इन दोनों पे टिक करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अब अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुना है वो ट्रेडिंग अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कुछ और स्टेप्स भी करने होते हैं। तो अगर वो स्टेप्स आप अभी करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप डू इट लेटर भी कर सकते हैं। तो हम अभी के अभी वो स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहां पर वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और नीचे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, तो वो ओटीपी आपने यहां पर डालना होगा। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे उसके बाद आपको लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। इससे आपके जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है वो एंजल वन को मिल जाएगी, जो कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कमोडिटीज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए डालना कंपलसरी होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो आपसे पूछी जाएगी, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा, तो यहां से आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आपसे 2 परमिशन और मांगी जा रही है, वो देने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स और ली जाएंगी, जैसे आपके फादर का नाम, अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा, अपना जेंडर डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाल दीजिए, और अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डाल दीजिए। अब इसके बाद यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में कुछ पैसा ऐड करते हैं और उससे शेयर्स बाय करते हैं, तो आप चाहते हैं कि बचा हुआ जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली हर महीने के पहले फ्राइडे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो यहां पर आप 30 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 90 डेज सेलेक्ट करोगे तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार होता है आपने पैसे ऐड किए, आपको कल शेयर्स बाय करने थे लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो गए, तो इससे बेटर है कि 90 डेज सेलेक्ट करो। क्योंकि अगर आपको अपने पैसे विड्रॉ करना है तो वहां पर विड्रॉ करने का ऑप्शन आता ही है, तो आप मैन्युअली भी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने 90 डेज सेलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से 30 डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डेली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नॉमिनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अभी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर लें तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर लीजिए, या फिर आप बाद में भी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डू इट लेटर पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें आपने अपनी जो जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। तो अगर आपको अपनी डिटेल्स सही लग रही हैं तो नीचे आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस से आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा, और उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई करना होगा, तो यहां पर वो ओटीपी भी डाल दीजिएगा। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे तब आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ई साइन हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका जो अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लगभग 3 दिन का वक्त लगता है आपके डीमैट अकाउंट को एक्टिवेट होने में। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो भी हमारे लिंक का यूज करेंगे उनके अकाउंट को जल्दी एक्टिवेट करवाने की, बट फिर भी मान के चलिए कि 24 घंटे का तो वक्त लगेगा ही। तो हमने एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहीं से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइएगा। अब जब आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका डीमैट अकाउंट एक्टिवेट होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मीनवाइल आप एंजल वन के ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है और एंजल वन लिख के सर्च करना है, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और ऐसे आप एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप ऐप स्टोर से भी एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर आप उसमें साइन इन कर सकते हैं। जब आप अपने एंजल वन के ऐप में साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया जाएगा, जिसमें दिखाई देगा कि अभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है। और जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तब आपको ये सीखना होगा कि शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना है, और स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में आपको सीखना होगा, जिस पर हमने सभी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं। तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स के ऊपर हमारी ये वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और साथ ही एंजल वन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहां से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा या फिर एटलीस्ट साइन अप कर लीजिए, ताकि हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करे और आपकी हेल्प कर सके आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।
लो भाई एंजल वन की तरफ से गाइस, मैं आप लोग देख सकते हो मैंने कितना सारा अर्निंग किया हूँ गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे रिवॉर्ड में जैसे क्लिक किया तो गाइस यहाँ पे आप लोग के सामने गाइस देख सकते हो कितना सारा अर्निंग किया हूँ। 300 रुपया, 300 रुपया, 300 रुपया, 300 रुपया करके गाइस मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। देख सकते हो आप लोग लाइव प्रूफ, अर्निंग प्रूफ आप लोग देख सकते हो गाइस। अगर आप भी इसी तरह का 300-300 रुपया करके अनलिमिटेड अर्निंग करना चाहते हो तो गाइस वीडियो पे आप लोग कंटिन्यू। तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी एंजल वन एप्लीकेशन से रेफर अर्निंग करना चाहते हो तो गाइस आप लोग है ना बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। आज का इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला है कि गाइस आप लोग एंजल वन एप्लीकेशन से गाइस रेफर करके कितना सारा अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग शुरू से एकदम लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही इजी तरह से आप लोग को भी पता चलने वाला है, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग कैसे रेफर करना है, कैसे आप लोग को अकाउंट को क्रिएट करना है। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग शुरू से एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। ओके एंड गाइस चैनल पर आप लोग पहली बार रहते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे टच कीजिएगा। इस तरह का इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट लूट ऑफर जितना भी आएगा नोटिस करने के आप लोग को सबसे पहले। तो चलिए भाई लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग ओपन करोगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे ओपन करो गाइज यहाँ पे देख सो अलाउ मांगेगा तो अलाउ कर देना। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सो आप लोग को साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप पे क्लिक जैसे करो गाइज आप लोग को नंबर पूछा जाएगा, तो गाइज आप लोग यहाँ पे नंबर आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सो रेफरल कोड जो कि गाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देख सो नेक्स्ट में आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करो गाइज यहाँ पे देख सो परमिशन मांग रहा है तो गाइज ओके कर देना है। यहाँ पे लोकेशन का भी अलाउ कर देना है, अलाउ अलाउ करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पे आप लोग को देख सो एक मैसेज आएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप भी हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे पूछा जा रहा है गाइस देख सकते हो फुल नेम, तो गाइस आपका जो भी नाम है वो पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यूज रेफरल कोड, तो गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से आप लोग ले सकते हो रेफरल कोड। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करो गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग को एक गाइस यहाँ पे जीमेल आईडी, तो गाइस यहाँ पे आप लोग जो भी मर्जी वो ईमेल आईडी दे देना है आपका, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सो बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए गाइस यहाँ पे आप लोगों को पैन कार्ड डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो गाइस चलिए अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना जो भी पैन कार्ड है वो मैं आप लोग को डाल के बताता हूँ आगे क्या करना है। सो दोस्तों यहाँ पे अपना पैन नंबर डालने के बाद गाइस यहाँ पे देख सो सबमिट लिखा हुआ है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा गाइस यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद गाइस यहाँ पे देख सो एक डिजी लॉकर में आप लोग को यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आधार, तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑथेंटिकेट आधार पे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सो आपका आधार कार्ड का यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है, तो गाइस यहाँ पे जो भी नंबर है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, आधार कार्ड का अपना। सो गाइस यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड एंटर करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे देख सो आप लोग को नेक्स्ट वाला जो ओपन है, तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है नेक्स्ट में, ओके। जैसे करोगे गाइस आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर पे लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा, देख सो ओटीपी आ गया है। उसमें गाइस यहाँ पे देख सो आप लोग को ओटीपी यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सबमिट में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे देख सो लोडिंग ले रहा है। उसके बाद गाइस आपका जो भी यहाँ पे पिन है वो पिन आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। डिजी लॉकर का जो भी आप लोग पिन बनाए होंगे वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए भाई यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो भी है वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हो मेरा, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे अलाउ कर देना है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अलाउ कर दिया, तो गाइस यहाँ पे रिडायरेक्ट ले रहा है। ओके फैचिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है मेरा डिजी लॉकर से ये इन्फॉर्मेशन ले लेगा, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है पैन कार्ड के लिए। तो चलिए भाई वेट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा हो चुका है। अभी गाइस यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट लिंक करने बोल रहा है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे अपना जो भी है ये यूपीआई वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेरीफाई, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई विथ यूपीआई पे लिखा है, तो गाइस यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक जैसे कर दिए गाइस यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपया यहाँ पे डेबिट करने बोल रहा है, पे करने बोल रहा है एंजल वन का तरफ से, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कनेक्टिंग सिक्योरिटी आ गया है, और गाइस सक्सेसफुली 1 रुपया डेबिट हो चुका है। अभी गाइस देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाई लिंक हो चुका है मेरा बैंक अकाउंट। अभी गाइस ये देख सकते हो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक कर दिए गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्लिक है सेल्फी, तो गाइस यहाँ पे सेल्फी एक मांग रहा है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं सेल्फी ले लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो मेरा यहाँ पे सेल्फी भी मैं क्लिक कर दिया हूँ, ओके। उसके बाद गाइस यहाँ पे सेव टू कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक कर देता हूँ गाइस यहाँ पे एक सिग्नेचर बोल रहा है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं सिग्नेचर भी कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबमिट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा आप लोग को वेरीफाई के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको डू इट लेटर कर देता हूँ, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा जा रहा है, तो गाइस यहाँ पे 1 से 5 का नीचे पे ही रखना है, और गाइस यहाँ पे देख सो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस बोल रहा जा रहा है कि गाइस आप लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, तो गाइस यहाँ पे सिंपली देख सकते हो प्राइवेट में हम कर देते हैं, या तो फिर गाइस ओदर में भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे मैं
कर देता हूँ यहाँ पे ओके उधर में करके। तो गाइस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका फादर्स नेम, तो गाइस यहाँ पे देख सो फादर नाम अपना जो भी है वो डाल देता। तो गाइस प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप लोग डालिएगा अपना फादर का नाम, गलती नहीं होना चाहिए ओके। इसके बाद गाइस जेंडर पूछा जा रहा है, तो गाइस यहाँ पे जेंडर मेरा मेल रहने दीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो गाइस आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, तो गाइस यहाँ पे देख सो अनमैरिड मैं हूँ ठीक है, मैरिड नहीं हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे पोस्टशीट में क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दीजिए गाइज यहाँ पे ऐड नॉमिनी भी है, आप लोग को ऐड कर सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर लेटर में बाद में कर लूँगा ठीक है। तो रिव्यू हो रहा है गाइज यहाँ पे देख सो, KYC कम एप्लीकेशन जो भी है वो रिव्यू में फॉर्म आप लोग को भेज जा रहा है ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सो लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे गाइज टोटल यहाँ पे मेरा बन गया है ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे देख सो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है आप लोग को, और प्रोसेस्ड ई सीन में क्लिक करके गाइज यहाँ पे देख सो लोडिंग ले रहा है ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सो आधार कार्ड डाल के गाइस यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है ठीक है। जैसे क्लिक करो गाइस यहाँ पे देख सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटर हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं ठीक है। तो गाइस मैं देख सकते हो यहाँ पे डाल देता हूँ, करने के बाद गाइस वेरीफाई OTP में क्लिक कर देना है आप लोग को। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है ओके। गाइस यहाँ पे बोल रहा है कि 3 दिनों के अंदर में गाइस ये हो जाएगा, रिव्यू में भेजा गया बट गाइस आप लोग यहाँ पे 12 घंटे के अंदर में आप लोग को हो जाएगा ओके। दोस्तों अकाउंट ओपनिंग होने के बाद गाइस अभी और एक यहाँ पे आप लोग को जरूरी काम करना बाकी है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सो गेट 300 रुपया लिखा हुआ है, तो गाइस यहीं पे आप लोग को रेफर और अर्निंग का गाइस यहाँ पे शो होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सो आप लोग को करना क्या होगा, शेयर ए लिंक वाया व्हाट्सअप लिखा हुआ है, तो गाइस यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे देख सो आप लोग के सामने गाइस आपका फ्रेंड का यहाँ पे दिखेगा। तो गाइस सपोज दैट गाइस ये बंदे को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ ठीक है। तो गाइस इस तरह करके गाइस आप लोग को रेफर कर देना है। उसके बाद भाई आप लोग को बोलना है कि भाई आपका जो लिंक है ये वाला देख सकते हो, इससे ही वो क्लिक करके वो डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद गाइस जो भी रेफर कोड है आपका वो यूज करेगा, वो जैसे यूज करेगा और उसके बाद गाइस जैसे उसका भी KYC कंप्लीट होता है, जिस तरह से मैं आप लोग को वीडियो में बताया कि आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा KYC कंप्लीट के लिए, वैसा अगर सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लेता है तो गाइस आप लोग को यहाँ पे 300 रुपया का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा ठीक है। गाइस कुछ इसी तरह करके आप लोग अनलिमिटेड यहाँ पे 300 रुपया करके अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो आप लोग कैसे लगे गाइस, अच्छी लगती है एक लाइक ठोक के जाएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेटेस्ट लूट ऑफर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।